सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर लंबे इंतजार के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से फाइनली यहां पे दो फाइनल ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट जारी किया जा चुका है आईटीआई अप्रेंटिसशिप का। एंड आप सभी यहां से देख सकते हैं, एक आपका प्रोविजनल पैनल है एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 2023-24 जमालपुर वर्कशॉप का, जमालपुर वर्कशॉप आसनसोल और मालदा डिवीजन के लिए। इसके साथ साथ एक प्रोविजनल पैनल आपका यहाँ पे आउट हुआ है 2023-24 ट्रेनिंग के लिए आफ्टर डीवी कांचरा पारा वर्कशॉप का, जिसमें कांचरा पारा वर्कशॉप और सियालदा डिवीजन का यहाँ पे जारी हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इसको डाउनलोड करके कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आगे क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, साथ ही आपको ज्वाइनिंग कब करना होगा एंड इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, वो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। उसके पहले आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और इस मेरिट लिस्ट के पीडीएफ के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई के टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जरूर जुड़िएगा। अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरें तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बात करने वाले रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है एजुका जोन पब्लिकेशन से। एंड कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि 2024 में वैकेंसी आई हुई है, तो ये एक बेस्ट बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस पेपर्स के साथ एंड एक्सप्लेनेशन के साथ ये बुक आपको अवेलेबल हो जाती है, जहाँ पे 2500 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, 5 सॉल्व पेपर्स हैं और जो नोटिफिकेशन आपका लेटेस्ट है स्ट्रिक्टली उसी पैटर्न पे ये बुक बनाई गई है। ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में मिलेगी एंड जो आपका जनरल अवेयरनेस रीजनिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग पूरी तरह से ये आप सबके लिए बनाई गई है। तो इसे आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड साथ ही साथ अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप यहाँ पर एजुका जोन की तरफ से जो स्टडी गाइड बनाई गई आप सबके लिए, उसे भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके इसे बाई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन सभी पे अवेलेबल है, जहां से आप चाहें परचेज कर सकते हैं, ज़रूर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं ईस्टर्न रेलवे वर्कशॉप का है, ये आपका है यहाँ पर चीफ वर्कशॉप मैनेजर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से लेटर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये कांचरा पारा वर्कशॉप का है, आप इसमें ऊपर अगर डेट देखें 16/4/2024 दिख रहा है, अप्रैल की डेट है, बट इसे पब्लिश अभी किया गया है वेबसाइट पे। इसमें लिखाया गया द फॉलोइंग आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सुटेबल अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर दिस फॉर आफ्टर वेरीफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल फिटनेस फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप। यानी अब आप लोग यहाँ पे दसवीं और आईटीआई का एवरेज लेके जो मेरिट बनाया गया उसके बेसिस पे प्लस डीवी और मेडिकल के बेसिस पे फाइनली शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। एंड एक चीज़ और यहाँ लिखा गया, स्क्रीनिंग जो हुआ था वो आपका 8 फरवरी, 9 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 15, 16 एंड 19 फरवरी को किया गया था, उसके बाद ये फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हुई है। अब इसमें अगर आप देखें तो आप अपना नाम चेक करेंगे, ठीक है, आपको यूनिट जो अलाट हुई वो आप यहाँ देख ही रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ देखें, आगे कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे रिमार्क्स में लिखा देखिए सुटेबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम इशूइंग अथॉरिटी, यानी यहाँ आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना होगा ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ ईडब्ल्यूएस देख सकते हैं, फिर आपका यहाँ पे एचएच का है, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है, इसमें आपको सर्टिफिकेट देना होगा। फिर आप नीचे अगर आएँ जिनके सामने जो चीज़ लिखा है वो चीज़ आपको वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओबीसी कैटेगरी में देखिए आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, कुछ कैंडिडेट्स हैं लगभग सभी में आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट, तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपना कैटेगरी वाला लेके जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाला लेके जाइएगा। मैक्सिमम कैंडिडेट में हम देख रहे हैं वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, कुछ ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं शायद जिनका कुछ और लिखा होगा, अदरवाइज़ वही चीज़ें लिखी हैं कि आपको वो जो डॉक्यूमेंट है वो सही सही लेके जाना होगा, स्पेशली कैटेगरी सर्टिफिकेट ही यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी लेके भी जाना है ज्वाइन करने, बाकी आपने मेडिकल तो अपना दे ही दिया वहाँ पे, मेडिकल के अगर फोटोकॉपी तो वो ले जाइएगा। एंड अब आप सोच रहे होंगे जाना कब है, तो यहाँ आप देखिए वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन सिलेक्शन उतने ज़्यादा देखने को अभी नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स एबसेंट रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको यहाँ पर अगली मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। अब इसमें नीचे अगर आप देखें तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लिखा कि आपको कब लेके जाना है वहाँ पे, बस इतनी चीज़ें लिखी कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ जो है लेके जाना होगा वहाँ ज्वाइनिंग के टाइम पे। कब जाना होगा तो उसकी अपडेट आपको आपके मेल के माध्यम से या बाई कॉल लेटर आपके घर पर आ जाएगा, उसके बाद आपको जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, बाकी हम कोशिश करेंगे एक बार यहाँ पे वर्कशॉप में कांटेक्ट करने की, जो नंबर्स होते हैं उनमें कॉल करके वहाँ से जो भी अपडेट मिलेगी हम आपको चैनल के माध्यम से ज़रूर दे देंगे। अगले अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो इसमें देखिए डेट 8/5/2024 पड़ी हुई है और ये मेरिट लिस्ट आपका जारी किया गया है यहाँ पर
जमालपुर डिवीजन की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें भी आगे आपको रिमार्क्स में दिख जाएगा कि आपको क्या क्या कैंसल्ड चेक आपको लेके जाना है। जैसे देखिए इसमें लिखा आपको कैंसल्ड चेक लेके जाना है, यहाँ पे क्या लिखा है आपको करंट ओबीसी सर्टिफिकेट ले जाना है जो एसडीओ से इशू हुआ था, ठीक है, सही फॉर्मेट में। फिर यहाँ देखिए कैंसल्ड चेक सबमिट करना है, ये सुटेबल, जिनके आगे सुटेबल लिखा उन्हें कुछ भी यहाँ पे नहीं सबमिट करना होगा, और जो भी सुटेबल हैं उन्हें कुछ नहीं सबमिट करना, उनका सब कुछ ठीक है। जिनका सुटेबल में आगे कुछ लिखा हुआ रिमार्क्स में टिप्पणी में, उन्हें वो चीज़ लेके जानी होगी, ठीक है। तो ये भी आपका एक पैनल आउट हुआ है, इसमें अगर देखें टोटल कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट हुए हैं जमालपुर में, तो आप लोग इसमें अपना नाम चेक कर लीजिए, क्योंकि नाम इसमें सर्च नहीं होगा, आपको एक एक करके नाम जो है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये ट्रेड वाइज लिस्ट एक्चुअल में दिख रही है, तो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा टोटल कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ये अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं फिलहाल। ऊपर अगर सुटेबल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे 30 कैंडिडेट्स हैं टोटल, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे जमालपुर में 30 कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पे 120 कैंडिडेट्स हैं, यानी वैकेंसी अभी भी काफ़ी खाली जाने वाली है, ठीक है। तो इसका जल्द ही आपको अगला जो मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगा, ये ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद ही, लेकिन वो देखने को मिलेगा, या उससे पहले भी आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है डीवी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिले यहाँ पे हो चुका है। तो एक बार आप लोग अपना नाम ज़रूर चेक कर लीजिएगा जिस भी डिवीज़न का आप वेट कर रहे थे उसमें, एंड जो कैंडिडेट्स यहाँ पर रिजेक्ट हुए देखिए उनके आगे रिजेक्शन का रीज़न भी लिखा है, तो ऐसी गलती आप लोग ना किया करें। जैसे इन्होंने देखिए 10वीं में 100% भर दिया, बट एक्चुअल में क्या होता है अगर आपका 10 है सीजीपीए, 10 का मतलब होता है 9.5 से मल्टीप्लाई यानी 95%, बट इन्होंने क्या किया 100% भर दिया उसे। तो ऐसी ही गलतियां अगर आप लोग करेंगे तो आप भी फंसेंगे। जैसे यहाँ देखिए इन्होंने 10वीं का 88% भर दिया, बट एक्चुअल में 83.60 है। तो ऐसी गलती आप लोग क्यों कर रहे हैं, या आप ज़्यादा दिखा के सोच रहे हैं सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कोई बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बाई मिस्टेक भर रहे हैं तो आप तो बहुत पीछे हैं, आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। अगर आप जानबूझ के भर रहे हैं तब भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसा मत किया करिए, कोई मतलब नहीं होगा इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दे के, अगर आप कुछ पा भी जाएंगे तब भी उसका कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, आप लोग अगर यहाँ से अप्रेंटिसिप करते हैं तो आपको चारों बेनिफिट्स मिलेंगे जो रेलवे अप्रेंटिसिप करने के बाद मिलते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ आपको सभी को सलाह नहीं देते रेलवे अप्रेंटिस करनी चाहिए, लेकिन जिन्हें रेलवे ग्रुप डी में जाना है, लेवल वन की तैयारी करनी है, वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, उन्हें अप्रेंटिसिप कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ी सी आसानी से ग्रुप डी की जॉब दिला सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका 20% का आपको कोटा मिल जाता है ग्रुप डी में, दूसरा आपको 1/3 का वेटेज मिल जाता है आपके सीबीटी एग्ज़ाम का, ठीक है, जो आपके नंबर हैं उसका सीबीटी एग्ज़ाम में 1/3 जोड़ा जाता है, तीसरा आपको पीईटी में छूट मिल जाती है जो फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होता है, एंड चौथा जो आपको एनएसी सर्टिफिकेट मिलेगा, अब ये इक्विवेलेंट होता है 1 ईयर के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के। तो ये कुछ बड़े बेनिफिट्स हैं जो आपको रेलवे अप्रेंटिसिप करने पे मिलते हैं, तो उसके लिए आप लोग चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं इसे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।